हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग में आपको क्या करना है, आपको सोचना है अपने मन में कोई प्रश्न। अपने मन में प्रश्न सोचते जाइए, मैं पिक करूँगी और जवाब देते जाऊँगी। जिसके जिसके प्रश्न यहाँ पर पिक होंगे और जिसको जिसको जवाब मिलता जाएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ ज़रूर से रिप्लाई कीजिएगा ताकि मैं देख पाऊँ कि कितनी एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी प्रश्न हैं एक एक करके हम लेंगे, देखते हैं कितने स्प्रेड्स निकल कर आते हैं। सो फर्स्ट स्प्रेड, अपने मन में एक प्रश्न सोच लीजिए, देखते हैं किसका प्रश्न यहाँ पर निकल कर आता है और क्या उत्तर निकल कर आता है, आंसर क्या होगा। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपके साथ फिज़िकल रिलेशन भी बनाया है। यहाँ पर आपको इन्होंने शादी का वादा किया है, शादी की कमिटमेंट की है। कई लोगों के पर्सन ने तो शादी भी की है लीगल तरीके से, मंदिर में या अननोन तरीके से आपके साथ शादी करी है, और उसके बाद अब ये पलट गए हैं। अब इनके तरफ से आपको बहुत कष्ट रिसीव हो रहा है, आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप करें तो करें क्या। आप बहुत ज़्यादा लाचार, बहुत ज़्यादा मजबूर फील कर रही हैं या कर रहे हैं। किसका प्रश्न है ये, अगर आप अपना नाम से नहीं भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने नाम की जगह कुछ भी एक्स वाई जेड रख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कौन कष्ट में है, इसका जवाब क्या है। ओके, इसके जवाब में जो चीज़ें निकल कर आई हैं, पहला रीज़न तो ये है कि इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया है। ये आपके साथ कभी सीरियस थी ही नहीं या थे ही नहीं, ठीक है। और इन्होंने अपनी फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ किया है आपको छोड़कर। इन्होंने आपके साथ झगड़ा भी किया है, आपको उल्टा सीधा भी बोला है और उसके बाद आपसे नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो मैक्सिमम आप 3 महीने इस रिश्ते को और दीजिए, मतलब जनवरी तक। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप इस रीडिंग को कभी भी देखेंगे लाइफ में तो उसके बाद 3 महीने का समय आप अपने पर्सन के लिए दे दीजिए। अगर उसके बाद 3 महीने के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर या 3 दिन के अंदर ये आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, अपॉलोजी देते हैं, सॉरी फील करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, देन गुड। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है या ये आपको फिर से मैसेज करके और अंडबन बोलते हैं, देन रिलीज़। इसे अपना एक बहुत बड़ा भूल या गलती समझकर उनको भी माफ़ कीजिए, क्योंकि आपका डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड होगा। उनको फोगिव कीजिए, रिलीज़ कीजिए, कट द कॉर्ड्स एंड अपनी लाइफ में अपने आप को बिज़ी कीजिए ताकि आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकें। तो ये किसका क्वेश्चन था, जिसका भी था, आई होप कि आपको आंसर मिला होगा। नेक्स्ट, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किसका क्वेश्चन लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ, यूनियन कब होगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उनका यूनियन कब होगा, उनके पर्सन उनकी लाइफ में कब तक वापस आ जाएंगी या आ जाएंगे। ये जो यूनियन वाला क्वेश्चन है ये बहुत सारे लोगों का हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे भी हों जो ऑलरेडी एक दूसरे से मैरिड हों, मतलब आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हों या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लेकर देख रहे हों। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं यूनियन को लेकर। कुछ लोगों का यहाँ ये भी क्वेश्चन है कि क्या आप अपने डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हैं। तो पहले हम यूनियन वाले का जवाब लेंगे, क्या यूनियन होने वाला है एंजल्स। आंसर तो मुझे मिल गया है, यहाँ डेफिनेटली यूनियन होने वाला है, बिकॉज वी हैव गॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स विद जजमेंट। तो यहाँ शादी की वाइब्रेशन है
और जजमेंट का कार्ड है। इसका मतलब एंजल्स ने आपको हरी झंडी दे दी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन होने वाला है। आपका डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, डजन मैटर, बट आपका एक दूसरे के साथ कर्म अटैच्ड है, डेस्टिनी है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 4। तो मिनिमम 4 वीक्स, मैक्सिमम 4 मंथ के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए 4 डेज के अंदर भी रेजोनेट कर जाए, जो भी लकी वंस हो। लेकिन आपका परमानेंट यूनियन कमिटमेंट आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ शादी की एनर्जी है। सिर्फ मैसेज का कार्ड नहीं है, शादी की वाइब्रेशन है, कमिटमेंट की वाइब्रेशन है, शादी को लेकर डिसीजन की एनर्जी है। तो यहाँ पर डिसीजन होगा, शादी का डिसीजन होगा, और जो भी होगा ये 4 डेज, 4 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स के अंदर होने वाला है। तो ये वाइब्रेशन बहुत ही पॉजिटिव है गाइस, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। नेक्स्ट, जो लकी वंस होंगे जिनका 4 डेज के अंदर या 4 आवर्स के अंदर या 40 आवर्स के अंदर यूनियन हो जाता है, वो कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजल्स, और किसका क्वेश्चन लेना है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा एज में कम है। हो सकता है आप अगर 25 साल के हैं तो ये 18 साल के हों, या आप अगर 40 साल के हैं तो ये 25 साल के हों। देर इज़ सम वास्ट एज गैप बिटवीन यू एंड योर पर्सन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन है, ये सवाल है कि मेरा पर्सन एज में मुझसे छोटा है या छोटी है, और मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हूँ और वो भी मेरी तरफ आकर्षित है, बट इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? किसका क्वेश्चन है? अगर आपका क्वेश्चन पिक हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस, देखते हैं जवाब क्या है। देखिए, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी। इनकी फैमिली चाहती है कि इनकी शादी ट्रेडिशनल वे में हो, रीति रिवाज से हो, माँ बाप की मर्ज़ी से हो। तो अगर आप मैरिड हैं, ये अनमैरिड हैं, या ये मैरिड हैं, आप भी मैरिड हैं, और देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन कास्ट, एज, ट्रेडिशंस, तो यहाँ पर फैमिली की चलेगी। फैमिली में कोई है जो बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ऐसी सिचुएशन में फ़िलहाल आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 3। मिनिमम 3 वीक्स, 3 डेज़, या मैक्सिमम 3 मंथ्स आप वेट कीजिए। अगर इस दौरान में आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कीजिए, इनसे कम्युनिकेट कीजिए और इनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि पीसफुल रिजोल्यूशन निकले, बीच का रास्ता निकले। कुछ ऐसा ये इंतज़ाम करें जिससे कि फैमिली को भी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, कष्ट ना हो, ना आपकी फैमिली को, ना इनकी फैमिली को, और एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकल पाए। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ सकता है, थोड़ा आपके पर्सन को भी करना पड़ सकता है, बट ये अकेले नहीं है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनके लाइफ में कोई अदर कंट्रोलिंग पावर भी है, क्योंकि यहाँ दूसरा किंग भी निकल कर आ गया है। इसका मतलब कि आपके पर्सन अगर फीमेल है तो भी और मेल है तो भी, इनके लाइफ में कोई अथॉरिटी फिगर है जिसका डिसीजन ही इनका लास्ट डिसीजन होगा। सो आपको ऐसी सिचुएशन में या तो आप पर्सनलाइज रीडिंग से अपने नाम से चीज़ें जान सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव है, बट चांसेस यहाँ ज़्यादातर ट्रेडिशनल मैरिज के हैं। इनकी शादी जब भी होगी ट्रेडिशनल वे में होगी, इस तरह की वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। लास्ट मैसेज लूँगी, एक और स्प्रेड प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किसका क्वेश्चन लेना है अब? कुछ लोग मैरिड हैं और मैरिड कपल्स का क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ से सेपरेशन है, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, ख़राब हो चुकी हैं, क्या होगा? किसका क्वेश्चन है? जिसका भी क्वेश्चन है ज़रूर बताना,
बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में 6 दिन के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपको मैसेजेस भी रिसीव होंगे, कॉल्स भी रिसीव होंगे। आने वाले समय में अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से हुई तो सक्सेस भी मिलेगी, आप दोनों का यूनियन भी होगा। तो क्लेम करें इस एनर्जी को, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और मैरिड कपल्स जो भी हैं यहाँ पर, अगर सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है, तो आने वाले समय में बात होगी। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पिक हुए हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।